दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पर घरों में दरवाजे ही ना लगे हों? और आपको कैसा लगेगा सुन के जब हम आपको ये बताएंगे कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं, किसी और ने बनवाया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा पत्थर भी भारत में मौजूद है जिसे सिर्फ एक नाम लेकर ही हिलाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इन सब सवालों को जवाब नहीं पता है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की इन्हीं सबसे बड़ी मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 7, द विलेज ऑफ ट्विंस। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स बच्चों का पैदा होना पूरी दुनिया में ही एक रेयर कंडीशन मानी जाती है। पूरी दुनिया में हर 1000 प्रेगनेंसीज में सिर्फ 16 माओ को ही ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। और वही भारत की बात करें तो यहाँ ये नंबर गिरकर 9 बन जाता है। मगर दोस्तों, भारत में ही केरला में एक ऐसा गाँव भी है जिसे हम द विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का कारण है कि इस गाँव में जो 2000 फैमिलीज मौजूद हैं उनमें से 400 से ज्यादा ट्विंस मौजूद हैं और ये नंबर भी आए दिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, कोडिनी नाम के इस गांव में जाने पर आपको कई ऐसे जुड़वा लोग दिखाई देंगे जिसे देखकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये गांव सचमुच में बेहद मिस्टीरियस और हैरान कर देने वाला है। आपको बता दें कि कई साइंटिस्ट ने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की पर वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। कईयों का कहना है कि यहां के पानी में ही ऐसा कुछ खास है। दोस्तों, आपको भी एक बार इस गांव में जरूर जाना चाहिए। नंबर 6, प्रहलाद जनी इंडियाज फास्टिंग फकीर। दोस्तों, भारत में तो वैसे कई ज्ञानी साधु और संत मौजूद हैं पर शायद कोई भी प्रहलाद जनी जैसा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रहलाद जनी ये दावा करते हैं कि इन्होंने एक दो दिन का नहीं बल्कि पूरे 40 साल तक का फास्ट रखा, यानी कि बिना पानी और खाना के इन्होंने पूरे 40 साल गुजारे। दोस्तों, शायद आपको भी ये सुनकर विश्वास ना हो पर आपको बता दें कि प्रहलाद जनी इसी बात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यही नहीं, इन पर साइंटिस्ट ने खुद रिसर्च भी की है। दोस्तों, इतने लंबे समय तक फास्ट रखने के बावजूद लोगों ने पाया कि ये बिल्कुल हेल्दी थे। पर हैरानी की बात तो ये है कि इन पर जो भी रिसर्च हुई वो एक मिस्ट्री ही बनी रह गई और गवर्नमेंट ने उसे बाहर नहीं आने दिया। दोस्तों, आज के समय में प्रहलाद जनी भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक माने जाते हैं। नंबर 5, कीर्ति स्तंभ द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उस आयरन पिलर की जो कि दिल्ली में मौजूद है और इसे हम कीर्ति स्तंभ नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इस आयरन पिलर को 5th सेंचुरी में बनवाया गया था और तब से अब तक ये बिना रस्टिंग के वैसा ही खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस पिलर के लोहे में बिल्कुल भी जंग नहीं लगी और यही बात इसे मिस्टीरियस बनाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि रस्ट रेजिस्टेंट आयरन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान वेस्टर्न सिविलाइजेशन में देखने को मिला था, यानी कि 19th सेंचुरी के बाद। फिर 5th सेंचुरी में इस आयरन पिलर का निर्माण किसने और कैसे करवाया था ये कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट भी इस एडवांस टेक्नोलॉजी को देख कर दंग रह गए थे। नंबर 4, सनी सिग्नापुर द विलेज विदाउट लॉक्स एंड डोर्स। दोस्तों, हमें भले ही कुछ देर के लिए ही क्यों ना अपने घर से बाहर जाना हो, हम हमेशा ही अपने घरों को बंद करके ही बाहर निकलते हैं। पर जब आप महाराष्ट्र के सनी सिग्नापुर गांव के बारे में सुनेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस गांव में जाएंगे तो आप भी शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में भी इस गांव के घरों में दरवाजे या ताले नहीं लगते। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि घरों के अंदर कितना ही पैसा या सामान क्यों ना हो। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिछले 300 सालों से यहां तक एक भी चोरी का इंसिडेंट सामने नहीं आया है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि लोगों को मानना है कि इस गांव की रक्षा हिंदू धर्म के शनि भगवान करते हैं और इस गांव में जिसने भी चोरी की उस चोर की तुरंत आई साइट चली जाएंगी। दोस्तों, और यही कारण है कि इस गांव में बैंक तक में ताले नहीं लगे हुए होते। नंबर 3, द मिस्ट्री ऑफ द लिफ्टिंग स्टोन। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं भारत में ही शिवापुर की दरगाह में मौजूद लिफ्टिंग स्टोन की मिस्ट्री के बारे में। आपको बता दें कि इस होली प्लेस में एक 70 किलो का भारी पत्थर मौजूद है और इस पत्थर को उठाने का कोई भी और रास्ता मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि 11 लोग इस पत्थर के चारों तरफ खड़े हों और वो अपनी 4 फिंगर को इस पत्थर की तरफ पॉइंट करें। इसके बाद 11 लोगों को उस संत का नाम लेना होगा जिसने इस पत्थर को श्राप दिया था, यानी कि उन्हें कमर अली का नाम लेना होगा और तभी ये पत्थर अपने आप उठने लगेगा बिना किसी के टच किए। दोस्तों, सचमुच में ये शायद किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको बता दें कि माना जाता है 800 साल पहले कमर अली नाम के एक सूफी संत ने इस पत्थर को श्राप दिया था और इस पत्थर की मिस्ट्री पूरे भारत में मशहूर है। नंबर 2, द मिस्ट्री ऑफ ताजमहल। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शायद यही कि आप हमारी बात मानेंगे नहीं। और माने भी क्यों, भला हम बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम के लिए उनकी मौत के बाद बनवाया था। पर दोस्तों, मिस्टर पीएन ओक नाम के वेल नोन हिस्टोरियन का कुछ और ही कहना है। आपको बता दें कि उनका मानना है कि ताजमहल भगवान शिव को डेडिकेट किया हुआ एक हिंदू मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। यही नहीं दोस्तों, इस शिव मंदिर को शाहजहां ने मुमताज के ब्यूरियल के लिए जयपुर के महाराज से छीन लिया था। आपको ये बता दें कि मिस्टर ओक की इस थ्योरी के साथ दिया गया था न्यूयॉर्क के प्रोफेसर मार्विन मिलर के कार्बन डेटिंग टेस्ट ने। जब प्रोफेसर मार्विन ने ताजमहल के दूरवे के सैंपल लिए थे तो उन्होंने पाया कि वो शाहजहां के जन्म लेने से 300 साल पुराने हैं।
हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी कई ऐसी थ्योरीज हैं जो मिस्टर ऑक की बातों को सपोर्ट करती हैं, पर इस मिस्ट्री का पूरा सच तो कोई भी नहीं जान पाया है। नंबर वन, एम्पेरर अशोकास 9 इल्यूमिनाटी मैन। दोस्तों नंबर वन पर हम आपको बताने वाले हैं सम्राट अशोक से जुड़ी द अननोन 9 मैन की मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें कि द 9 अननोन मैन का ग्रुप भारत के लिए वैसा ही है जैसा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए इल्यूमिनाटी। दोस्तों अशोक ने इस सोसाइटी की खोज की थी और माना जाता है कि ये वो 9 लोग थे जिन्हें एमिसेंस नॉलेज थी और ये बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। इन्हें हर सब्जेक्ट से जुड़ी नॉलेज थी जैसे कि टाइम ट्रेवल और एंटी ग्रेविटी भी। और दोस्तों इस नॉलेज को इन्होंने छुपाकर बुक्स के फॉर्म में रखा था। माना जाता है कि इन किताबों को पास ऑन कर दिया गया था और ये अब कहां पर है ये कोई नहीं जानता। यहां तक कि वो 9 लोग कौन थे ये भी कोई नहीं जानता और ये भारत की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। दोस्तों क्या आपको इन मिस्ट्रीज के बारे में पता था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।